Finally, the wait is over and we are here to explore Phoenix Mall of Asia. तो इस मॉल के ओपनिंग के जो डेट थी वो थी 20th अक्टूबर 2023, बट ये जो है ओपन हुई है 27th ऑफ अक्टूबर 2023 एंड हम सेम डे पहुंच गए हैं इसे एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ ये अंदर से कैसा दिख रहा है। बाहर से तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो हम आए थे अपने स्कूटी से, तो इन्होंने हमें बैक साइड गेट नंबर 3 से एंट्री करने के लिए बोला। तो ये बैक साइड है एंड हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, और इनका जो पार्किंग है वो है B1 एंड B2 बेसमेंट में। और ये जो है अभी ओपन ही हो रहा था, तो इन्होंने हमसे कोई चार्जेस नहीं लिए, बट कार का जो है चार्जेस था। तो ये जो मॉल है वो 13 एकड़ में स्प्रेड है, और इसमें जो है 2 पार्किंग है एंड 5 फ्लोर में जो है आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो ग्राउंड, अपर ग्राउंड 1 और 2 जो है शॉपिंग के लिए है, एंड थर्ड फ्लोर जो है वो आपको फूड कोर्ट, फन सिटी एंड PVR के लिए है। तो यहाँ पे हमने अपना बैग चेक करके अंदर जो है इंटर किया, और इंटर करने के बाद जो है व्यू बहुत ही अच्छा था, इसका इंटीरियर भी बहुत ही खूबसूरत था। तो आप उसे जो है एंजॉय कीजिए। मॉल का जो इंटीरियर है वो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, और यहाँ पे बहुत सारे जगह जो है फोटोजेनिक है, जहाँ पे आप अपने अच्छे अच्छे फोटो ले सकते हैं, रील बना सकते हैं। अभी हम लोग जो है वहां से एंट्री किए, और एंट्री करते साथ जो है आपको ये व्यू देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे जो है साउंड भी आ रहा है, जो कि अगर अभी देख रहे हो तो पांडा है, तो पांडा का वो जो उनका जो एक टोन होता है वो आ रहा है टू करके, जो कि बहुत ही स्वीट और बहुत खूबसूरत लग रहा है। वैसे ही अगर इसमें जो है ना चेंजेज होता थीम में, तो वो जो है वाटरफॉल अगर हो रहा है तो वाटरफॉल का जो साउंड दे रहा है तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है मेन अट्रैक्शन बन के रखा हुआ ये पॉइंट, और ये फोटोजेनिक पॉइंट भी है। तो ये बहुत अच्छा है कि अगर आप आ रहे हो तो यार फोटो जरूर क्लिक कराना। तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको जो है ये अट्रैक्शन दिखने को मिलेगा, बहुत ब्यूटीफुल था, सब यहाँ पे पिक्चर्स ले रहे थे। एंड इनके जो ग्राउंड फ्लोर पे बहुत सारे लग्जरी ब्रांड है, एंड टोटल अगर ब्रांड की बात की जाए तो 400+ ब्रांड इस मॉल में अवेलेबल है। एंड इनके जो है फूड रेंज भी बहुत अवेलेबल है, एंड इनका फन सिटी एरिया भी बहुत अच्छा है, जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लोर करवाऊंगी। तो अभी जो है हम आपको ग्राउंड फ्लोर एक्सप्लोर करवाते हैं, उसके बाद हम सारा फ्लोर आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं देख रही हूँ तो अभी बहुत सारे स्टोर जो है ओपन ही हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो है ओपन हो चुके हैं, और बहुत ब्रांडेड शोरूम भी दिखने को मिल रहा है यहाँ पे, लाइक मीडियम रेंज के भी दिख रहे हैं और हाई रेंज के भी दिख रहे हैं। तो अभी हम आपको एक्सप्लोर कराते हैं कि कौन कौन से ब्रांड है यहाँ पे या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि एजोटे भी है, जो कि मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, तो चलिए वो भी एक्सप्लोर करते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर में आगे बढ़ने पे मुझे दिखा ये स्टारबक्स का सीटिंग अरेंजमेंट, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और यहाँ पे आपको फोटो वगैरह भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। एंड यहाँ पे आप आराम से सीटिंग करके जो भी आपको काम करना है तो काम कर सकते हो, और अपना जो है कॉफ़ी फ्रैपे जो भी आप है जो इन्जॉय कर सकते हो। तो ये अरेंजमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आगे बढ़ने पे हमें ग्राउंड फ्लोर पे ये सेंटर में बहुत ही अच्छा सा ग्रीन कलर का थीम दिखा। तो आपको पता है बैंगलोर जो है ग्रीन सिटी है, तो वही थीम इन्होंने यहाँ पे जो है कंटिन्यू किया है। बट मुझे लग रहा था ये जो प्लांट्स थे वो जो है फेक थे, बट यहाँ पे जो है कुछ वाटरफॉल वाला भी डेकोरेशन था वो रियल था। बट ये जो पूरा डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और बहुत ही अच्छा पिक्चर हमने यहाँ पे लिया, जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। तो ये जो व्यू है आप एक बार चेक करो, और मैं बोलूँगी कि यहाँ पे तो मस्ट आपको आना ही चाहिए, एक बार तो विजिट बनता है यहाँ पे। तो हमारे जो लेफ्ट साइड में टिम हॉर्टन दिख रहा है, एंड इस साइड जो है गर्ल्स का फेवरेट ज्वेलरी शॉप दिख रहा है मुझे, ब्लू स्टोन दिख रहा है, ये ओडा मैंने पहली बार सुना है, एंड जो मालाबार ज्वेलरीज का जो दिख रहा है मुझे, तो देखिए मैं बहुत खुश हो रही हूँ। ब्लू स्टोन में सोच रही चलते हैं और देखते हैं कि ब्लू स्टोन में क्या क्या मिलता है,
और यहाँ पे थर्ड वेव कॉफी भी है, स्टारबक्स भी है, और स्टारबक्स का सीटिंग एरिया जो है बहुत यूनिक है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चलिए और भी ज्यादा मैं जो आपको एक्सप्लोर करती हूँ, उससे पहले आप वहाँ ऊपर देख रहे कितना खूबसूरत सा जो है ये आपको किया हुआ है डेकोरेशन, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक और एरिया मिल गया है जो कि बहुत फोटोजेनिक है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे गोल्डन का टेक्सचर है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, और यहाँ पे पियानो वगैरह रखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट। आई थिंक यहाँ पे जो है लाइव बैंड भी होगा मे बी, मुझे अभी आइडिया नहीं है बट होना चाहिए। और ये एरिया बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, फोटोजेनिक लग रहा है। तो कैसा लग रहा है शिल्पा यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है, और अभी ओपन ही हो रहा है बट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मॉल बहुत खूबसूरत है, मस्ट विजिट है, आप जरूर आए। तो चलिए अभी आपको लेके चलते हैं इनके फर्स्ट फ्लोर पे और दिखाते हैं डेकोरेशन, क्योंकि मॉल जो स्टोर आपको सेम ही देखने को मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के, बट डेकोरेशन इनका जो एम्बियंस जो है बहुत जबरदस्त है। तो चलिए और ग्राउंड फ्लोर पे जो है ज़्यादातर स्टोर जो है वो दिख रहे थे कि खुल गए हैं, बट यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे जो है अभी तक खुले भी नहीं है फर्स्ट फ्लोर, तो आई थिंक सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही जो है इन्होंने ओपन कर दिया है। और वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वर्षाचे भी ओपन होने वाला है, जो कि बहुत एक्साइटेड होने वाला हूँ। ये एरिया को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना के रखा है ना ग्रीनरी के कारण, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। हर फ्लोर पे इन लोगों ने जो है बारीकी से काम किया है, और ये वाटर रियल का है या आर्टिफिशियल? आई थिंक रियल होगा, सी सबको चुलमचा हुआ वही जानने का, रियल है। हाँ प्लांट जो है वो आर्टिफिशियल है। तो बड़े बड़े ब्रांड भी खुलने वाले हैं, कोच, माइकल कॉल। तो अभी हम आपको लेके जा रहे हैं इनके सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि अभी उस साइड बहुत सारा चीज खुला नहीं है, इसलिए मैं उस साइड एक्सप्लोर नहीं कर रही हूँ। और ये यहाँ पे रहा इनका मैप, तो अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप इसको भी देख के फॉलो करके जा सकते हैं। बस बैंगलोर में लोग पागल जाते कोई भी नया चीज खोल देना, और यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा कवर किया जा रहा है, मीडिया आई है पूरा कवर कर रही है। और ये लाइफ स्टाइल को फुल कलरफुल बनाया है। आई थिंक नॉर्मल डे में ये सब डेकोरेशन सब हटा देंगे ना। और एक चीज का बहुत फायदा हुआ, हम लोग फर्स्ट डे इनॉग्रेशन के डे पे आए हैं,
ज्यादा क्राउड नहीं हुआ है क्योंकि बैंगलोर में आपको पता है कुछ भी नया खुल जाता है सारे लोग वहीं आ जाते हैं, बट फर्स्ट डे के हिसाब से बहुत क्राउड है। हाँ, फर्स्ट डे बहुत क्राउड है, बहुत खूबसूरत बनाया है तो क्राउड तो होना बनता ही है। तो यहाँ पे है मेरा फेवरेट नायका का स्टोर, और यहाँ पे बहुत सारे जो स्टोर दिख रहे हैं कि ओपन है, उस साइड तो ओपन नहीं दिख रहा था, बस इस साइड दिख रहा है, और ये वाला जो झूमर लगा हुआ है मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर में, चलो। ओ यहाँ पे टीरा का शोरूम भी खुलने वाला है, मैंने टीरा पे जो है ब्लॉग बनाया था, तो टीरा का जो शोरूम है सिर्फ मुंबई में था, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे भी जो है ओपन होने वाला है, और यहाँ पे बॉबी ब्राउन वगैरह भी आने वाला है जो कि बहुत। ये जो मॉल है बहुत बड़ा है और मैं चलते चलते थक गई हूँ, मैं भी थक गई हूँ, बट मजा बहुत आ रहा है। ऑब्वियसली हम लोग गर्ल्स हैं ना, तो गर्ल्स लोगों को जहाँ पे भी कुछ शॉपिंग का कुछ भी दिख जाए या नया चीज कुछ भी दिख जाए उनको बस खिला दो और घुमा दो, बहुत मजा आता है उनको। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने जो है सारा फ्लोर आपको दिखाई दिया है, अभी हम आपको लेके जा रहे हैं इनके फूड कोर्ट एरिया में और दिखाते हैं। यहाँ बाहर से हमें देखने में तो बहुत ज्यादा एम्बियंस बहुत ज्यादा अच्छा है, जैसे और फ्लोर पे इन लोगों ने डेकोरेशन का पूरा ध्यान रखा है वैसे ही फूड कोर्ट भी मुझे यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो है 5 फ्लोर है एंड 2 पार्किंग है, बेसमेंट एंड बेसमेंट 2 जो पार्किंग है, एंड ग्राउंड एंड अपर ग्राउंड एंड 1, 2, 3 फ्लोर है, और ये हम लोग 3rd फ्लोर पे है। यहाँ पे कि आपको इस एरिया में दिख रहा होगा फन सिटी, जहाँ पे कि बच्चों के प्लेइंग एरिया है, और इस एरिया में जो है पूरा फूड कोर्ट है। चलिए हम आगे भी एक्सप्लोर करते हैं। तो इनके फूड कोर्ट में भी जो है बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे थे, बट इस साइड जो है थोड़े बहुत तो जो शॉप है ओपन थे, बट इसके जो उस साइड था वहाँ पे अभी तक सारा जो है शॉप ओपन नहीं हुए थे, बट यहाँ पे आपको एक डिसेंट जो है रेंज मिल जाएगा फूड का, तो आप यहाँ पे फूड भी जो है इंजॉय कर सकते हो। इसके बाद जो है हम चले गए थे प्लेइंग एरिया में, और इनका प्लेइंग एरिया भी जो है बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है, लाइक उसमें भी बहुत सारा तो वैरायटी थी आपको खेलने के लिए, अगर आप अपने बच्चे को लेके आ रहे हो तो अच्छे से जो है यहाँ पे आपका टाइम स्पेंड हो जाएगा। और यहाँ पे जो है सेम जो गेम एरिया था वहाँ पे मुझे बोलिंग भी दिखा, तो अगर आपको बोलिंग के शौकीन हो तो आप यहाँ पे आके बोलिंग भी कर सकते हो, और अदर गेम भी जो है आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। तो ये जो एरिया था बहुत बड़ा था और मुझे अच्छा लगा। बहुत सारा लाइटिंग है और बहुत ही अच्छा सा खाने का भी जो है चॉइसेस है, इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी ओपन ही हो रहा है,
बट फिर भी आपको थोड़ा चॉइस मिल जाएगा। और भीड़ तो देखिए फर्स्ट डे है, कोई बोलेगा ही नहीं। और यहाँ आके लग रहा है ना एकदम दिवाली जैसा वाला वाइब्स है, फुल ऑन बलून्स, लाइटिंग, एवरीथिंग बहुत अच्छा लग रहा है बहुत। हम लोग जो है ऑलमोस्ट निकल चुके हैं घूम के, तो हम लोगों ने सारा जो फ्लोर सब जो है एक्सप्लोर किया है और आप लोग को भी दिखाया है। तो हमने जो है आगे बढ़ा और वॉशरूम की तरफ जा रहे थे, तो वॉशरूम को भी इन्होंने जो है बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। यहाँ देख सकते हो आप एक वॉल पेंटिंग लगा हुआ है बहुत खूबसूरत सा, और इसके जो वॉशरूम के अंदर का जो डिज़ाइनिंग इंटीरियर किया हुआ था वो आप देख के हैरान रह जाओगे, क्योंकि वॉशरूम को भी इतना कोई सजा सकता है। तो ये था जो लुक, बहुत ही अच्छा आपको ग्रे और सिल्वर टाइप का इंटीरियर था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये हमने वॉशरूम यूज किया एंड उसके बाद हम घर के लिए निकल गए थे। और ये अब पूरा जो है ओपन हो चुका है, बट शॉप वगैरह थोड़ा बहुत अभी क्लोज ही है, बट मॉल ओपन हो चुका है तो आप आ सकते हो कभी भी, लाइक फुल वीक में कभी भी आ सकते हो। तो ये था मेरा मॉल ऑफ एशिया का कंप्लीट टूर। होपफुली कि आपको ये मॉल का जो टूर है वो पसंद आया हो। अगर पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और विजिट करना भी ना भूले। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बन जाए इस फैमिली का हिस्सा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय।